हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल अगस्तिया ब्लॉग ऑफिशियल में। और आज का यह पहला ब्लॉग वीडियो है जो घर पर ही होगी, और इसमें आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा खुद से बनाया हुआ डंबल, या ऐसे ऐसे करने वाला। तो आप लोग को डंबल दिखाऊंगा। सबसे पहले तो चलिए पहले डंबल को खोज निकालते हैं। यार किधर गया डंबल? डंबल आ, डंबल मेरी बगल में ही रखी हुई है। सबसे पहले ये डंबल है, पहचान लिए क्या चीज़ का है? हाँ, पेंटिंग का डब्बा है। और पाइप, कौन पाइप बोलते हैं उसको जो नल और मोटर के साथ लगा हुआ होता है, वही मोटर है। केसिंग, केसिंग पाइप नहीं रे बाबा, नहीं। हाँ शायद ऐसा ही कुछ नाम होगा, वो तो मिस्त्री ही जानता है क्या नाम है इसका। तो इसमें सबसे पहले मैं इसमें भरा हूँ बालू, सीमेंट और गिट्टी। इससे बना के मैंने अपना डंबल तैयार किया, लगभग बहुत ही भारी है। इससे डंबलिंग करता हूँ, डंबल लगाता हूँ, कम से कम 30-40 लगा लेता हूँ। वैसे तो रोज दिन मतलब नहीं लगाता हूँ, करीब करीब एक दिन गैप छोड़ के। और इस डंबल को बनाने में मुझे 2 दिन लगा है। ये एक ठोको पहले रात में मतलब सीमेंट गिट्टी और छड़ को भर के इसमें जाम कर दिया। सुबह होती ही जाम हो गया, तो दूसरे दिन फिर इसको लगा दिया। तो 2 दिन लग गया इसे बनने में, तो बन गया। अगर अगर आप लोग अगर ये वाला भी नहीं बनता है तो आप लोग बताऊँ कि आप लोग ईटा से भी कर सकते हैं। ईटा ही बहुत आसानी से मिल जाती है कहीं भी। 2 ठो ईटा को पकड़िए और दोनों लेफ्ट राइट करते रहिएगा, मज़ा आएगा। ईटा का कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं आप लोग को। चलिए ले जाते हैं पहले ईटा के पास। काफ़ी धूप लग रही है यार, तो पहले छांव में चलता हूँ। ये छत ही पहले हम छत में है, ज़्यादा उतना घर अच्छा भी नहीं है जो आप लोग देख सको अच्छा से। तो ये रहा ईटा, तो इसको ऐसे ऐसे ही करता हूँ। अगर वो डंबल नहीं रहता तो एक तरफ एक हाथ में डंबल और एक हाथ में ईटा, दोनों मिलके एक साथ करता हूँ तो काफ़ी भारी लगता है, लेकिन रोज करते हैं तो उतना हो जाता है, उतना उठा लेते हैं। और इस डंबल को मारने के बाद लगभग 30 से 40 रेपिटेशन मारने के बाद इसको छोड़ के फिर 30 रेपिटेशन पुशअप करते हैं। फिर इसके बाद डिक्लाइन पुशअप करते हैं, जो कि एक बेंच के ऊपर करना होता है, तो वही करते हैं कभी कभी बीच बीच में। और इसके बाद मैं दिखा रहा था ना छत में कुछ गमला में रखा हुआ है कुछ मतलब फूल सब, तो उसमें फूल नहीं है, वो एक्चुअली वो टमाटर है। तो दिखाते हैं टमाटर को छत के पास, पहले चलते हैं टमाटर के पास। टमाटर के पास मैं जाते हुए, ये रही टमाटर। टमाटर बाबू लाल टमाटर गोल गोल, लेकिन टमाटर तो अभी लाल नहीं हुई है। लाल टमाटर गोल गोल, तुम भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। ये अक्सर बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस पोएम को, बीच बीच में गाते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेके नहीं, मतलब वो लोग रोटी को लेके गोल मटोल करते हैं। एक्चुअल में ये मेरी खुद की बनाई हुई पोएम थी टमाटर के ऊपर, उसको रोटी वाला को ही सुन के मतलब चलो टमाटर को दिखा देते हैं, टमाटर गोल गोल है। अभी मैं छत पर हूँ, लेकिन छत में काफ़ी धूप लग रही है। देखिए धूप कैसे दिख रहा है, एकदम पूरा वाइट वाइट, बाप इतना धूप, मतलब मार्च मतलब फरवरी से ही धूप हो गया था, मार्च अप्रैल हाँ मार्च, लेकिन इस बार बहुत पहले से ऐसा धूप लग रहा है जैसे कि मई जून आ गया, एकदम बाप रे। और मेरे पीछे देख रही होगी उधर नदी है और ट्रेन पटरी है, नहीं दिखाई दे रही होगी तो पहले कैमरा को घुमा लेते हैं। देखिए नदी, ट्रेन पटरी, बहुत ही नहीं दिख रहा है, जूम करते हैं। देखिए उधर में देख रही है तारा मंदिर, आप लोग को एक बार उसमें ब्लॉक करा दूंगा तारा मंदिर, वहाँ पानी वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। तारा मंदिर पूरे लगभग आधा भागा का आदमी वहीं से पानी लेके आता है तारा मंदिर से। तारा मंदिर का पानी इतना फेमस है बाका में, मत बोलिए, सब कोई वहाँ का पानी पीता है। इतना भीड़ रहती है कि पानी लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो वहाँ तारा मंदिर का ब्लॉक आप लोग को कभी और दिखा दूँगा।